हेलो एवरीवन। तो यार अभी कुछ टाइम पहले जो है टाइम्स नाउ में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये चीज मेंशन करी गई थी कि आपका जो है जेईई मेंस का 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट वो आपका जो है मार्च में कंडक्ट कराया जा सकता है। और इसके पीछे का जो रीजन है वो उन्होंने इलेक्शंस को बताया था क्योंकि कुछ स्टेट में जो है अभी इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। बट यार आज जो है रिसेंट एक न्यूज आर्टिकल आया है, काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स आए कि जो चीज ये बता रहे कि आपके आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर मिस्टर अग्रवाल ने ये चीज प्रेडिक्ट करी है कि कोविड की जो थर्ड वेव है वो आपकी खत्म होते होते तक जो है अप्रैल का एंड हो जाएगा। तो यानी कि यार जो अभी एग्जाम्स बोली जा रही थी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो मार्च में कंडक्ट कराया जा सकता है वो शायद ना हो, क्योंकि अगर भाई आपकी थर्ड वेव जो है वो थोड़ा खत्म होते होते तक अप्रैल तक होती है तो उस टाइम पे यार रिस्क नहीं ली जा सकती कि एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाए। अब हमें जो है वेट करना है एनटीए की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का और हमें ये चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। बट यार आप इन न्यूज के कारण जो है अपनी तैयारी को प्लीज मत रोकिए, आप जिस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे उसी जोर शोर से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ये मत सोचिए कि यार एग्जाम की जब भी कुछ नोटिफिकेशन आएगा तब जाके हम जो है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, अभी से ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों का यार रिवीजन जो है पहले हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस सारे चैप्टर्स को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, उनका बैठ के अच्छे से एनालिसिस करिए और अपनी गलतियों को पहचानिए। तो यार ये जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है इसको अच्छे तरीके से अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो आप अपनी रैंक्स को थाउजेंड्स लैक्स तक भी बढ़ा सकते हैं। तो यार ये जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है इसको अच्छे से यूज करिए। आगे यार हमारे चैनल पे आपको जेईई मेन से रिलेटेड जो है हमने काफी सारे पीवाईक्यू सेशन लिए जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं, कहां कहां पे ट्रिक्स पॉसिबल है, जिसकी मदद से जो है आप कन्वेंशनल मेथड की जगह जो है कुछ एक स्मार्ट ट्रिक लगा के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें। साथ ही साथ हम अभी कुछ ऐसे भी वीडियोस ला रहे हैं जिसके अंदर हम चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी आपके लिए रिवाइज कराएं, जिसका एक वीडियो आपको स्ट्रेट लाइंस पर मिल जाएगा। और एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोर शोर से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।